हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फैमिली मेंबर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपका ये जो साल है 2022 ये बिल्कुल फुल ऑफ ब्लेसिंग्स जाए, आपका आपकी हेल्थ बहुत बहुत बेहतर हो, आपको सक्सेस ही सक्सेस मिले, आपको हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस मिले, एंड आई ब्लेस यू ऑल। दोस्तों, मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि हमें हमेशा साल का जब शुरुआत होती है तब हमें एक ग्रैटिट्यूड जार बनाना चाहिए, ऐसा इस टाइप का एक ग्रैटिट्यूड जार बनाना चाहिए, क्योंकि हम अपनी लाइफ में हमेशा कंप्लेंट ही करते रहते हैं। हम कहते हैं ये चीज़ अच्छी नहीं है, हमारी लाइफ में कंप्लेंट प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, ब्लेसिंग्स तो है ही नहीं, हम यही सोचते हैं ज़्यादातर। तो जैसे हम किसी चीज़ पर विश्वास रखते हैं, ऐसे ही हमें हर साल के पहले दिन ही एक सुंदर सा ग्रैटिट्यूड जार बनाना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 2021 में बनाया था। और इस ग्रैटिट्यूड जार में, इस ब्लेसिंग जार के आपको करना क्या होता है, इसमें आपको जो भी आपके साथ बेस्ट बेस्ट चीज़ हुई हो उसको आप गॉड को एक छोटी सी चिट्ठी लिख सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मुझे इतनी प्यारा सरप्राइज मिला। तो जब एंड होगा साल का तो तब आप देखेंगे कि आपका ग्रैटिट्यूड जार जो है वो फुल ऑफ ब्लेसिंग्स से भर जाएगा। और तब दोस्तों आपको रियलाइज होगा कि जितनी हम लाइफ में अपनी कंप्लेंट करते हैं उससे ज़्यादा गॉड ने हमें ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। सो आज मैं अपने ग्रैटिट्यूड जार की कुछ पर्चियों को ओपन करूंगी और आपको दिखाऊंगी, और जब आपका साल का अंत हो और आप एक एक ब्लेसिंग को अपनी पढ़ेंगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी, आपकी जो वाइब्रेशन है, इतना आपका दिल खुश हो जाएगा कि आप हर साल इसे बनाना चाहेंगे। सो अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगी कि इस ग्रैटिट्यूड जार को बनाएं कैसे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इसे मैंने कैसे बनाया था। जैसे कि सबसे पहले मैंने एक ब्यूटीफुल सा जार लिया हुआ है, आप भी एक जार पर्टिकुलरली इसी चीज़ के लिए रख सकते हैं और उसे सुंदर तरीके से सजाएं। जैसे कि मैंने यहाँ बो लगाया था, अच्छे से स्टिकर लगाए, ऊपर भी लगाया, एंड व्हाट आई हैव रिटन हियर इज द जार फुल ऑफ ब्लेसिंग्स इन 2021, फुल ऑफ ब्लेसिंग, एंड हेयर ऑन द टॉप आई हैव रिटन थैंक यू। सो जब आज इस साल के अंत में मैं जब इसे पढ़ूंगी तो आप समझ सकते हैं कि जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को पढ़ेंगे कि आपके साथ पूरे ईयर में क्या क्या बहुत बेहतरीन हुआ था, तो आप बहुत 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 खुश हो जाएंगे, एंड टुडे आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी द हैप्पीएस्ट वन। सो आई होप कि आप भी इस ईयर से फर्स्ट डे आप भी एक जार जरूर बनाएंगे और एंड में, अंत में, साल के अंत में इसे जरा ओपन करके देखिए, जो आपको मजा आएगा वो हर साल आप जरूर जरूर बने। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम ओपनिंग माय जार और अब आप देखेंगे कि कितनी सारी इसमें ब्लेसिंग्स मेरी भर गई हैं। आप अपनी मर्जी से अगर आप चाहते हैं कि हर दिन की खुशी डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, या कुछ चीज बड़ी बेस्टेस्ट सी हुई हो, दैट ऑल्सो यू कैन हैव। सो यू कैन सी कि कितनी सारी ब्लेसिंग्स मेरी इसके अंदर मैंने डाली हुई है। सो आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल द ब्लेसिंग्स एंड आई वॉन्ट टू रीड इन फ्रंट ऑफ यू कि हम इसका क्या करें, ये देख सकते हैं, ये देखें बहुत सारी है। सो नाउ आई एम जस्ट रैंडमली आई एम ओपनिंग एनी ऑफ वन ऑफ द स्टिकर एंड आई एम ओपनिंग। सो व्हाट आई हैव रिटन हियर इज थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस अव्वल कोर्स। सो आई हैव टेकन दिस टाइम, आई हैव टेकन वन सर्टिफिकेशन कोर्स मैंने लिया था एंड मैंने लिखा कि नाउ आई एम अ इंग्लिश गुरु, मैं एक परफेक्ट इंग्लिश गुरु बन गई हूँ, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। सो ये मैंने लिखा था एंड येस थैंक यू। आप इसमें डेट भी मैंशन कर सकते हैं तो उससे आपको डेट भी याद रहेगी। एंड लेट मी अदर चिट, येस ये है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई मंथ। Yes, thank you universe for protecting us from corona disease. Keep protecting us. We are safe and protected and will always be. हम हमेशा रहेंगे। तो जब इस year 2021 में हमें corona हुआ था और हम सब ठीक हो गए थे, मेरी और मेरी family, so at that time I wrote this and yes, I'm really really happy that we all are बिल्कुल ठीक हैं, blessed. One more sticker I wanted to take. Yes, 1720. So मैंने इसमें छोटी छोटी सी भी blessings लिखी हैं, आप चाहें तो बड़ी भी लिख सकते हैं। यस थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वैक्सीनेशन इन प्राइवेट सेंटर, जहाँ पे लोग गवर्नमेंट सेंटर्स में जा रहे हैं। आई एम सो ब्लेस्ड कि हमने प्राइवेट सेंटर में सारी वैक्सीनेशन लगाई है एंड दैट वी आर अफोर्डिंग एवरीथिंग। यस सो वी आर दैट मच केपेबल कि वी कैन अफोर्ड एवरीथिंग, दैट इज ऑल्सो द बिगेस्ट थिंग। सो ये भी किया, इसके लिए भी आई वॉज रियली रियली थैंकफुल। यस थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द एप्रिसिएशन आई एम रिसीविंग एवरी डे। तो यस, अगर मैं हर रोज अप्रिसिएशन, उस दिन मुझे कुछ अलग सी खासी अप्रिसिएशन मिली होगी, दैट इज व्हाई आई थिंक मैंने ये लिखा होगा। फ्रॉम होम, फ्रॉम वर्क प्लेस, फ्रॉम यूट्यूब चैनल एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब भी मेरे दिल में कोई भी खुशी होती है आई जस्ट राइट इट डाउन इन शॉर्ट पेपर एंड जस्ट मैं प्लेस कर देती हूँ, इसे डाल देती हूँ। सो एक दो और ले लेते हैं। दिस वन, यस दिस इज जनवरी 2021,
Today I am feeling blessed. Principal ma'am of DCS appreciated me for my YouTube channel. Yes, मैंने तो ये देखा ही है कि चाहे मेरे सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, चाहे मेरी वीडियोस में व्यूज आए ना आए, बट जो मुझे appreciation मिल रही है, that is really really commendable. And it is growing like a rocket. Definitely, my channel is growing like a rocket. And thank you to all of you. So these are my slips, and मैं सारी open करूँगी तो बहुत time लग जाएगा. So this is the way when I'll read, and I am going to read all my slips. मैं सारी पढ़ने वाली हूँ. And इतने में ही मुझे इतनी खुशी हो गई है, तो आप समझ सकते हैं कि बेल वीडियोस एंड यू विल रीड ऑल दिस स्टफ्स, तो आपके साथ क्या होगा, आप तो बहुत खुश हो जाएंगे. तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप भी डेफिनेटली, आज कल आपका फर्स्ट डे ईयर आएगा कि जैसे, तो आप डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड जार जरूर बनाएं, और आप इतने खुश हो जाएंगे कि आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा. सो आई होप फ्रेंड, दिस टाइम यू विल ऑल्सो मेक दिस टाइप ऑफ ग्रेटिट्यूड जार, और वी कैन से द ब्लेसिंग जार, जिससे आपकी ब्लेसिंग्स जो है वो और बढ़ के आपके पास आएंगी. जितनी ब्लेसिंग आप डालेंगे, भर भर के इसमें ब्लेसिंग डलती जाएंगी. तो आई होप कि आप भी ये ब्लेसिंग जार जरूर बनाएंगे. एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, एंड लव यू ऑल.